गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। तो गाइज आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत टाइम तक व्लॉग नहीं लगाया। इट्स बिकॉज कि आप सबको पता है कि अभी हमारा स्टूडियो जो है, अभी हमने स्टूडियो स्टार्ट किया हुआ है नॉर्बर। मैंने फाइनली हमारा सपना पूरा होने वाले है कि कालिम्पोंग में अपनी जगह पे एक डांसिंग सोर्स बनाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था, तो फाइनली वो पूरा हो गया है, ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, होने वाला नहीं, हो गया है गाइज़। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, मैं भागम भाग दौड़, क्या करना कैसे करना, क्या करूँ कैसे करूँ। मैं इन दिनों में बहुत ज़्यादा पूरा काम पे लग गई थी, एंड बीच में मैं कतार भी जाके आई, मैं और नॉर्बु कतार भी जाके आए। उन दिनों थोड़ा सा काम रुक गया था, फिर लेकिन लगातार मैं अभी स्टूडियो पे मेरा 100% दे रखा हूँ। तो गाइज तब तक के लिए मैं आपको ये छोटा सा जो हमारा ये स्टूडियो अभी ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक जो हमारा ये स्टूडियो का जर्नी जितना हमने बनवाया है बनाया है, थोड़ा सा मैंने व्लॉग जितना मेरे से हो पाया था मैंने किया है। तो आप सब वो देखिए एंड देख के यस एंजॉय करिए गाइज, देख लीजिए। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सो गाइज अभी मेरा पूरा मुटू धुक 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 हो रहा है, क्यों मैं बहुत धक 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 मुटू धुक धुक हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्यों मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं मिरर लगा रही हूँ स्टूडियो पे। तो एक मिरर का मेरे को इतना ज़्यादा प्यार है कि अब क्या बोलूँ, एक पर पीस का 2500 पड़ रहा है। तो यहाँ से लेके वहाँ तक 10 पीसेस मिरर पहुँचाना पड़ेगा, 10 पीसेस। और एक भी मिरर अगर इन केस थोड़ा सा भी खिचका हुआ ना तो गया मैं गया। तो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ, ऑडिशन से पहले वो जो मुटू ढुक 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 होता है ना, तो मेरे को अभी वैसे हो रखा है। प्लीज़ भगवान पहुँचा देना मेरा मिरर को। इसमें अपना स्टूडियो बन रहा है इसलिए मैं कारपेंटर पेंटर सब कुछ का काम कर रही हूँ। हाथ में कलर दिख सकते हो आप। सो गाइस ये जो टॉप फ्लोर है ये हमारा डांस स्टूडियो रहेगा अभी। एक गोटा ऐना हो मेरे मुटु चाहिँ फुट्नु आँटी सके ढुक ढुक भएर, अब 10 वटा ऐना माथि पुर्याउनु पर्छ हो, टोटल 10 वटा ऐना लाग्दैछ। मेरो मुटु फुट्नु आँटेको छ, मलाई डर लागेर एउटा कति भाइ बिस्तारो छिरिममा भयो भने गयो। यहाँ पे कपना पड़ेगा गाइज। ये कारपेंटर चे नहीं है लेकिन बस दीदी के लिए ये बन रहा है कारपेंटर। आपके लिए तो कुछ भी कर दूंगा, दीदी बोला है तो इसलिए कारपेंटर बन गया है। यहाँ पे कपना पड़ेगा गाइज। काटो 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 काटो। पांच मिरर आ चुका है भैया, गाइस भैया ने इसने हाथ काट दिया है, संजीव तामंग ने हाथ काट दिया है। आपा का क्या काटा? आपा को काटने। और जो दूसरे भैया है उसका तो पैर में 3 उंगली काट दिया, कट गया। और मेरा जो दिन था गाइस इतना दुख दुख हुआ था, मैं प्रे कर रही हूँ भगवान। अभी लाउड मत बोलो ना भाई, तेरे को तो रामबी को दिख रही है आईने में, तो सुंदर लग रहा है। इट्स माय लाइफ मस्त भयो है गाइस। गाइस अरे स्मिता हेरे जहाँ से छोड़ के गए था वही पहुँच गए हम, मन लास्ट भयो से शुरू किए थे। तो अब तेरा वैल्यू बढ़ेको नि अब। मेरा डैड का मेहनत देखो गाइस, ये जो स्टूडियो के पीछे सबसे जो बड़ा हाथ है मेरे पापा और मेरा भाई है उधर संजीव, और पापा ये बेड बना दे रहा है। ये कोने पे मैं बेड डालूंगी, दो ताला वाला बेड, क्या बोलते नीचे, और दो जन के लिए स्टे, क्या बोलते आप इसको, क्या बन से ये बेड ले, इसको दुईटा भाग ले, स्टेप बेड। तो ये जो कोई भी अगर टीचर्स वगैरह आए फैकल्टीज के लिए सोने के लिए और इनके लिए ये बना रहे हैं। इस साइड हमारा किचन बनेगा, अभी तो बहुत फैला हुआ है बहुत ज़्यादा ही। और साइड छोटा सा रूम बनेगा, उस साइड कोने पे ये बेड बनेगा।
तो गाइस मैं आप सबको एक चीज दिखाने वाली, जैसे कि अभी हमारे हॉल में काम चल रहा है, आपको पता है स्टूडियो की, तो मैंने अभी अभी गैस का जुगाड़ तो कर लिया, मैंने जुगाड़ मतलब गैस ले लिया, बट मेरे पास अभी मैं चाय बनाने वाली हूँ। और चाय कहाँ पे और कैसे बनाने वाली आप देखना चाहोगे? कभी ऐसे चाय बनाती हुई देखा है आपने? कुकर पे चाय बना रही हूँ मैं, कुकर पे मैं चाय बना रही हूँ। अभी मैं भूल गया पानी डालना, तो वैसे मिलते हैं थोड़ी देर में। आज मैं कुकर पे चाय बना के खिलाने वाली हूँ। कुकर पे चाय। तो गाइज अभी जो थोड़ा सा हमारा फाइनल क्लीनिंग हो रहा है, और मैंने स्पेशली लंदन से अपॉइंटमेंट लेके मैंने यहाँ पे क्लीनर लोगों को बुलाया है। इधर हाई बोल दीदी मिस स्नेहा एंड स्नेहा की मम्मी। तो मैंने कहाँ से आए आप लोग? अच्छे सेफ लैंड हुआ ना फ्लाइट, वहाँ से गाड़ी ने अच्छे से रिसीव कर लिया होगा आपको। ठीक है, इसका पेमेंट मैं आपको वो चेक बुक में साइन करके देती हूँ। ठीक है ठीक है। वाह देखो गाइस इतना अमीर। देखो लंदन से मैंने पर्सनल बुक करके इन उन दोनों को बस थोड़ा सा मेरे हमारे स्टूडियो को फाइनल लुक फाइनल क्लीन करने के लिए बुलाया है। आप देख सकते हो गाइस लंदन से मैंने इतने दूर से बुलाया है। अच्छे से काम करो ना, मैंने ऐसे खतरनाक काम दिया, इसको नींद आ गया गाइस देखो। ये निकालो अच्छे से, जितने भी कलर्स वो फ्लोर पे गिरा है उसको निकालने का काम दिया है मैंने। और इससे ये निमिर देख रहा हो, इसे ये बहुत आलसी हो रहा है अभी, ये पोछा से नहीं जाएगा बोल रहा है, मेरे को पूछ रहा है। हॉल तो और भी बड़ा लग रहा है साफ होने के बाद। तो हम लंदन से आया था, मैं थक गया और मेरे ऑनर को काम लगा दिया। आप लोग भी आ जाओ, थोड़ा सा फोन से मत हिला वही हेलो काम सजाने के लिए। ये सबसे मुश्किल काम है सबसे मुश्किल, क्योंकि जो भी कलर पेंटिंग ऊपर लगाया था वो गिरा हुआ है ना थोड़ा थोड़ा। हमने मतलब पूछ लिया था ये जो रिमेनिंग थोड़ा थोड़ा ड्रॉपलेट्स वगैरह उसको जब हटाने का बहुत मुश्किल काम है, तो वही कर रहा हूँ। आप देख सकते, इधर नजदीक से दिखाओ, इधर है ना, इसको ऐसे निकालना पड़ता है। नहीं निकालता ही, मुश्किल से बहुत मुश्किल से। गीतासु को भी मेरे को पता है ये अलसी हो रहा है, ये करने में अलसी हो रहा है, अलसी थोड़ा हो रहा है। ये काम बहुत अलसी काम है। क्या काम है ऐसा अलसी काम है, नहीं जाता है, बहुत दबा के करना पड़ता है। पोखी हो गए, बंद कर दो। बताओ आपको मेरा स्टूडियो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आज इतना लंदन से इतना दूर से आके इतना अच्छा बना दिया, तो आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। और इसको भी थैंक यू, इसने भी किया है। टी बजे आको थाकेरा अत्तू हो गया गाइस, हम लोग बहुत नींद आ रहा है, ढलने का मन कर रहा है, अभी ढलेंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और पापा इधर बेड बना रहा है, ये तो गाइस गुप्त रूम है, गुप्ता, दिस इज फॉर लाइक हमारा स्टूडियो का फैकल्टीज के लिए। टू स्टेप बेड यहाँ से आप सीढ़ी लगा रहे पापा, इधर कर्टन्स लगेगा, ये मैं हूँ, और इधर हमारा लिविंग रूम है इसके अंदर। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हमारा जो सपना है वो पूरा हो गया है। अभी हमारा स्टूडियो बन रहा है वो आप देख रहे हैं, एंड अभी तो नोरबू मुंबई में ही है, तो ये इसको पता नहीं है कि यहाँ पे कितना क्या बन चुका है, बस मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो करके भेजा है, तो वो कल यहाँ पे पहुँच रहा है, तो उसके बाद मैं उसको उसका रिएक्शन क्या होगा मैं आपको दिखाती हूँ।
एंड कल वाला जो कल से जो व्लॉगों का फिर नॉर्मल मेरा साथ में होगा, ये वाला जो व्लॉग था ये लाइक कुछ दिन का जितना भी यहाँ पे स्टूडियो बन रहा था उस दिन का मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप्स लिया था, ये सब वो व्लॉग है गाइस, आप लोग देखिए। एंड आपको पूरा व्लॉग मतलब पूरा स्टूडियो भी कराए, पूरा क्या बोला रही हूँ मैं, आप लोगों को पूरा स्टूडियो टूर भी कराएंगे गाइस, जो कि वो कल नेक्स्ट वीडियो में होगा। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा बन चुका है अभी स्टूडियो, वो नोटबुक के साथ ही मैं रिवील करूँगी। तो तब तक के लिए देखती रहिए, एंड प्लीज़ कैलिम्पोंग पीपल, आप लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग आइए हमारे स्टूडियो ज्वाइन करिए, एंड बस ज्वाइन करिए, उसके बाद आपको खुद रिजल्ट मिल ही जाएगा, खुद आपको बहुत कुछ मिलने वाला है गाइस, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आइए, अब जल्दी से हम लोग एडमिशन भी ओपन करने वाले हैं, जल्दी से जल्दी आइए हमारे साथ सीखने का मौका मिस ना करिए, तो आ जाइए गाइस, लेट्स गो।